सो हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पहुँचे थे अयोध्या। अयोध्या से दर्शन करके हम लोग निकल पड़े थे, जैसे कि आप लोग देखे हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके बाद यहाँ हम लोग खाना पीना खा के 1-2 घंटा रेस्ट किए थे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, और बहुत ही अच्छा नींद आया था मॉर्निंग का। उसके बाद सब जने अपना अपना फ्रेश हुए, कोई चाय पिया, कोई कुछ किया। पहले मैं भी उठ के फ्रेश होके चाय पी ली, उसके बाद मैं अपना बाल वगैरह झाड़ ली, क्योंकि अब फिर से निकलना है। और अब हम लोग कहाँ जाएंगे वो आप लोग को मैं आगे बताऊंगी कि अब हम लोग कहाँ प्रस्थान करेंगे, बाय रोड कहाँ जाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जाएंगे वो आप लोग को पता चलते रहेगा। अगर आप लोग को भी करना है और पर्सनली, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी मेरी ही दीदी है और भैया है, वो तीर्थ यात्रा करवाते हैं। अगर आप लोग को भी करना है तो मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका नंबर उनका दीदी का या भैया का मेंशन कर दूंगी, आप लोग उनसे संपर्क करके तीर्थ कर सकते हैं। वो हर जगह जाते हैं, जैसे कि खाटू श्याम, मतलब कि हर जगह, केदारनाथ, हर जगह टूरिस्ट करते हैं। उनका अपना ही गाड़ी है, उनका हर चीज़ अपना है। वो अपना जब आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो घुमाने के लिए लेके जाती हैं। तो अगर आप लोग को भी जाना है तो आप लोग भी कमेंट में बताना, मैं उनका मेंशन कर दूंगी नंबर आप लोग को भी। तो और मैं बता दूं फिर से, मैं हूं नेहा, मैं हूं बिहार से, मैं हूं बिहार दरभंगा से। और मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग हमेशा लाया करती हूं और अच्छे अच्छे अपडेट दिया करती हूं। तो और अब हम लोग निकल पड़े हैं राजस्थान के लिए, और देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ देर चलने के बाद, थोड़ा अभी के बज रहे हैं 10:11, और हम लोग अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर से दोबारा से चाय पियेंगे पियेंगे। और पता है ट्रैवल बहुत ही अच्छा जा रहा है हम लोग का, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी है, और भगवान जी का अच्छे से दर्शन भी हो गया हम लोग का। और अब देखिए राजस्थान में खाटू श्याम में अच्छे से दर्शन हो पाता है या नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू देखिएगा, आप लोग को पता चलते रहेगा। उसके बाद ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। हम लोग उतरे हैं अभी दीदी गाड़ी में तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे, और अबा यहाँ से मेहंदीपुर बाला जी के लिए प्रस्थान करेंगे। और कहाँ है अभी हम लोग? अभी हम लोग आगरा में ही, अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खाएंगे उसके बाद। क्या? हाँ ठीक है कुत्ता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखे हैं कि हम लोग तेल लेने के लिए रुके हुए थे, तो यहाँ पे मॉर्निंग का समय था। तो मॉर्निंग में दीदी, यही दीदी है जो कि यहाँ, यही दीदी है जो कि ट्रैवलिंग करवाती है, जो भी है उनको घुमाती है, जो घूम नहीं पाता है, जो गरीब है, लाचार है, जिनका कोई नहीं है, उनको कम ही पैसा में घुमा फिरा देती हैं। और इनका अपना गाड़ी है, और मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, इनका तारीफ़ जितना ही करो उतना ही कम है। तो अभी दीदी बना रही है पर्सनली सत्तू, जो कि बहुत ही अच्छा बनाती है, और इनका हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और भैया और दीदी कोई भी काम मिलके करते हैं। उसके बाद सत्तू बनाने के बाद यहाँ पर मुझे दिखा प्यारे प्यारे से पिकॉक मोर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे आप लोग भी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे मोर है, और मुझे यकीन ही नहीं हो पाया कि यहाँ भी मोर रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कितना सुंदर मोर है यहाँ पे, झूठ बोलेंगे तुम से मोर। अब हम लोग मोर दे के जा रहे हैं सत्तू पीने के लिए। हाँ।
भैया वहाँ पे, वहाँ पे क्या लगी है भैया? भैया ऊपर जो चढ़े हुए हैं, अब हम लोग बिहारी नाश्ता के लिए तैयार है। जा रहे हैं, झोला तोला लेके अपने घर की ओर प्रस्थान हो रहे हैं क्या दीदी? नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। वहाँ सुना है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इधर से, इधर से, इधर से। देखिए पहले अपना सीट पे बैठ गए लड़की, देखिए कितना बदमाश है। उसके बाद फिर हम लोग रुके एक ढाबा पे चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, या खाना ही कुछ ही समझ लो आप लोग, क्योंकि 12:01 बज रहा था निकलते समय हम लोग को, तो भूख तो लगना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े खाना खाने के लिए, और इसके बाद खाना खा के हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे राजस्थान की ओर, और पे देखते हैं कि कैसे क्या खाना मिलता है। अभी हम लोग शायद आगरा में हैं, और फिर आगरा से निकलेंगे यहाँ राजस्थान के लिए। तो यहाँ पे सब जने बैठे हुए हैं, और उसके बाद देखते हैं खाना क्या, कैसे कैसे प्लेट है। यहाँ पे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग खा सकते हैं। 120 रुपये थाली यहाँ पे मिलता है, जिसको जैसे इच्छा है खा सकते हैं, चावल रोटी जो अपना अपना इच्छा है अपने अकॉर्डिंग खा सकते। राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग बालाजी खाटू श्याम, हाँ खाटू श्याम, खाटू श्याम के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे मार्बल का मंदिर दिखने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ यहीं से जाता है मंदिर वगैरह बिहार में, मुझे नहीं पता है, मैं अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। भैया बोल रहे थे कि यहीं से माता रानी का मूर्ति वगैरह यहीं से जाता है, और आप लोग जैसे कि देख रहे हो अब सूरज भगवान जी डूब रहे हैं, और अब हम लोग पहुँच जाएंगे राजस्थान। राजस्थान पहुँच के हम लोग लेंगे होटल, होटल लेने के बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में दर्शन करेंगे खाटू श्याम का, श्री श्याम शरणम जी का, जो कि हाड़े का सहारा है और बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही नामी है। मैं बता दूं कि खाटू श्याम मंदिर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर शहर से सिर्फ 43 किलोमीटर दूरी गांव खाटू गांव में एक हिंदू खाटू श्याम मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण और बरवरी की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है, जो अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की कथाओं ने अनुसार मंदिर में बरवरी का असली सिर है, जो एक महान योद्धा थे। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ रिंगस से पैदल जाते हैं, जिस
को जैसा इच्छा होता है वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। रिंगस से 43 किलोमीटर अंदर पड़ता है खाटू श्याम का मंदिर। फिर हम लोग पहुंच गए थे होटल में। होटल में पहुंचने के बाद यहाँ उसके बाद खाना बना और खाना में आज देखिए क्या बनता है। खाना बनने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। अभी के बज रहे थे 10-11 बज रहे थे। उसके बाद यहाँ का होटल देखिए बहुत ही अच्छा है और अच्छा वातावरण है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंट्री किए थे थोड़ा देर के बाद हम लोग को ठंड लगने लगा था। बोलिए आप समझिए, हम उतर गए, आप समझिए उनसे, हम नहीं समझेंगे। उसके बाद आज का खाना था गोभी और पूरी, गोभी और आलू का सब्जी और पूरी था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था आज का खाना। उसके बाद हम लोग खाना खा के सोएंगे। और मेरा हो गया था थोड़ा सा तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था। उसके बाद हम लोग खाना खाए और आराध्या सो गई थी और सोने के बाद फिर हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए और देखिए कल कैसे हम लोग को दर्शन होता है खाटू श्याम में, क्या कैसे होगा, कितना भीड़ होगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।